नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टिल्लू ताजपुरिया के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे एक सीधा साधा साधारण सा युवक गैंगस्टर बना और कैसे उसका नाम टिल्लू ताजपुरिया बना। आपको बता दें, टिल्लू का नाम सुनील था, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद सुनील ने अपना नाम टिल्लू कर लिया। आपको बता दें, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो चुकी है। अब टिल्लू ताजपुरिया के बारे में हम आपको अधिक जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील उर्फ टिल्लू को साल 2015 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जो टिल्लू ताजपुरिया जुर्म की दुनिया में इतना कुख्यात था, वह पहले महज एक सामान्य सा युवक हुआ करता था। बाहरी दिल्ली में एक गाँव है ताजपुर। सुनील मान ताजपुर गांव का ही रहने वाला था। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद सुनील ने दिल्ली के स्वामी सदानंद कॉलेज में एडमिशन लिया। ताजपुर के पास ही अलीपुर भी एक गांव है। इस गांव का ही एक युवक था, जितेंद्र मान। सुनील और जितेंद्र बचपन से ही दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई दोनों ने साथ में की, फिर दोनों साथ में सदानंद कॉलेज में पढ़ाई करने गए। जितेंद्र शुरू से ही वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में एक बढ़िया प्लेयर था। साल 2007 में कॉलेज में उसे एडमिशन भी स्पोर्ट कोटे से ही मिला था। जितेंद्र राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स में खेलना चाहता था। खेल के साथ ही दोनों दोस्तों ने छात्र राजनीति में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसी दौरान छात्र संघ चुनाव में दोनों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ गई। अब ये दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी और यही दुश्मनी आगे चलकर गैंग वॉर में बदल गई। दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कॉलेज के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। अब जो दो दोस्त थे, वो दो दुश्मन बन गए। जितेंद्र मान उस गोगी से अलग होने के बाद सुनील उर्फ टिल्लू ने अपराध की दुनिया में अपना अलग कदम, अलग नाम रख लिया था। अब उसने अपना नाम सुनील से बदलकर टिल्लू ताजपुरिया रख लिया था। उसे अपने गांव ताजपुर को अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। उसका मकसद था कि उसे अपने गांव के नाम से जाना जाए। हालांकि हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में अपने गांव का नाम लगाने की परंपरा है, टिल्लू ने भी उसी तर्ज पर अपने नाम के साथ ताजपुरिया जोड़ लिया था। दिल्ली में साल 2013 के बाद जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच गैंग वॉर तेज हो गई। दोनों गैंग हत्या, उगाही और लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दिया करते थे। साल 2015 में इन दोनों के बीच अदावत टॉप पर थी। स्थिति ये हो गई कि टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी को निपटाने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान अपने गुर्गों से टिल्लू ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। और जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो अब दुश्मन में बदल गए। हालांकि इन दोनों ही दोस्तों का बुरी तरह से मर्डर कर दिया गया है। एक तरफ जहां टिल्लू ने अपने दोस्त का मर्डर करवाया, वहीं जेल में खुद टिल्लू का भी मर्डर हो चुका है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। धन्यवाद।